आपका स्वागत है। मैं विवेक बंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेस कोच। आईआईटी के दो लड़के अंकित भाटी और भाविश अग्रवाल मिलकर चालू करी ओला। आईआईटी मुंबई के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप पे कोई ना कोई आकर के स्पीच देके जाता था। इनके मन में कीड़ा जाग गया, बिजनेसमैन बनेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे। और तब से सोचने लगे क्या काम शुरू करें। सबसे आसान काम इनको समझ में आया, ट्रैवल एजेंसी चालू करते हैं। आसपास लोकल वीकेंड ट्रैवल लोनावला के लिए लोगों को टैक्सी पे भेजा करते थे। शुरू में काम इतना छोटा था, अच्छा डिजिटलाइज करने की कोशिश करी। अंकित भाटी जो इनका रूममेट नहीं था, बाजू वाले कमरे में रहता था, उसको इन्होंने बोला तू एक काम कर, तू कोडिंग पे लग जा। मैं सोचता हूं आजू बाजू टैक्सी वालों को पकड़ के लाता हूं, उनकी फोटो खींचता हूं, उनके आईडी कार्ड बनाता हूं, इसको मार्केट करता हूं, लो प्राइस मॉडल पे लेके आता हूं। शुरू में सारे काम ये खुद ही करते थे। मजे की बात ये है कि भावेश ने आज तक अपनी गाड़ी नहीं खरीदी। हाँ, क्या? हाँ, गाड़ी नहीं है इनके पास। इनके प्लेटफॉर्म पे 10 लाख गाड़ियां हैं, 1 मिलियन। कम ऑन, देश की सबसे बड़ी गाड़ियों की टैक्सी सर्विस इनकी, खुद के पास एक भी गाड़ी नहीं। शुरुआत के दिन बड़े कठिन रहे थे इनके। जब वो हुआ था ना CWG, याद है आपको, सुरेश कलमाड़ी, कॉमनवेल्थ गेम्स, वहां जाकर के बाहर ये पर्चे बांटते थे अपने स्टार्टअप जर्नी के कि हम आपको टैक्सी सर्विस देंगे, हम आपको। ये शुरू शुरू में मैनुअल था सब कुछ। सब कुछ इतना मैनुअल था कि कोई इनके वेबसाइट पर आकर रिक्वेस्ट करता था, ये टैक्सी वाले को फोन करते थे, वो टैक्सी वाला जाता था, उनको पिकअप करता था। इन्होंने अंकित को बोला, अंकित कोडिंग कर, ऑटोमेट कर। 48 घंटे लगातार, दो दिन, 72 घंटे तक अंकित बैठ के कोडिंग किया करता था। वहीं से इन्होंने स्पीडअप किया। ये जर्नी चालू पता कैसे हुई, इसके पीछे कहानी थी ओला के पीछे। एक बार बैंगलोर से बांदीपुर ये भाई साहब को जाना था भावेश को, इन्होंने टैक्सी करी। चल भाई टैक्सी वाले, चल 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 बांदीपुर छोड़ के आ, मुझे पैसे बता। उसने पैसे तय कर लिए। रास्ते में जंगल जब आया, टैक्सी वाले ने गाड़ी रोक दी। मैं नहीं जा रहा आगे। क्यों? बस नहीं जाऊंगा। क्यों? बस मेरे को पैसे बढ़ा के दो। कितने बढ़ा दे? 1.5 गुना लूंगा, मेरा प्लान चेंज हो गया, मैं नहीं जा रहा जी, ये तो बड़ा रास्ता खराब है, मुझको नहीं जाना। और वो टैक्सी वाले ने जब बहस करी, बदतमीजी करी, ये बोले नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, वापस जा तू, इतने भी नहीं दूंगा। टैक्सी वाला मान गया, कह रहा ठीक है जी मैं जा रहा हूँ वापस। उसको लगा ये नहीं मानेगा, इनको लगा टैक्सी वाला नहीं मानेगा, दोनों नहीं माने। बेचारा भाविश तो फंस गया, टैक्सी वाला वापस चला गया। उस दिन ये पैदल चल के आए और वहां सोचे कि भाई साहब इनकी बदतमीजियां, लिमिटेड अवेलेबिलिटी और ये जो प्राइस कंट्रोल, फेयर कंट्रोल, इसको मेरे को लगता है सुधारने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इन्होंने ट्रैवल एजेंसी का काम बन करके ओला कैब चालू किया, जो कि आज ओला हो गई है। अपने समय पे ओला वॉज द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न समझते हैं? नहीं समझते? मतलब $1 बिलियन वैल्यूएशन। उन दिनों बहुत जल्दी $1 बिलियन वैल्यूएशन में पहुंच गई थी। आज टैक्सी सर्विस के अंदर 56-57% का मार्केट शेयर है और उबर का कितना है? 39%। इनफैक्ट अगर ओला की सारी गाड़ियां आज देश में खड़ी कर दें, एक लाइन में, एक गाड़ी के बाद अगली गाड़ी के बाद अगली गाड़ी के बाद अगली गाड़ी, तो सारी गाड़ियों को लाइन से खड़ा कर दें, 4000 किलोमीटर हो जाएगा कश्मीर से कन्याकुमारी। अभी अभी ये इंडिया से बाहर भी निकल गए हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड यहाँ कवर कर लिया, उधर UK भी चले गए हैं, पूरा इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये इनकी जो एक्सपेंशन का रेट है, ये इतना तेज है कि मैं इसको एक उदाहरण से समझाता हूँ आपको। समझिए कि इनके पास 10 लाख गाड़ियां हैं आज, अगर एक गाड़ी केवल 4 किलोमीटर भी चल रही है, तो मतलब 40 लाख किलोमीटर का ट्रैवल रोज, और धरती से चांद का जो डिस्टेंस है वो केवल 4 लाख है, और ये कितना किलोमीटर चला रहे हैं? 40 लाख। इसका मतलब एक दिन में ये 10 बार चांद का चक्कर लगा देते हैं। कम ऑन, एक दिन में 10 बार चांद का चक्कर, इसको बोलते हैं तेजी से एक्सपेंशन। एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी के अंदर शुरू में ये इंडिया में समझ गए थे कि इंडिया में ओला ज्यादा चलेगी आगे चल के, यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। केवल 5% इंडियंस के पास गाड़ी है आज, और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ऑलरेडी भर गया है इतना कि आप बड़े शहर की सड़कों पर चले जाओ तो घंटों घंटों का जाम है। बेंगलुरु आपने देखा है, दिल्ली आपने देखा है, मुंबई आपने देखा है, एक बार जाम लग गया तो कोई आपको निकाल नहीं सकता वहां से। ये जानते हैं आने वाले समय में शेयर्ड गाड़ियां ही लंबा चलेंगी, शेयर्ड बसेज ही लंबा चलेंगी, हर एक को अपनी गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं। इन्होंने भी नहीं खरीदी, और ये तो कह रहे हैं हमारा विजन ही यही है कि भारत में लोगों को गाड़ी खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ने देंगे। क्यों EMI भरो, क्यों तेल दो, क्यों ड्राइवर की कॉस्ट, क्यों मेंटेनेंस, क्यों इतना खर्चा संभालो, बटन दबाओ ओला आई, बटन दबाओ ओला आई, बटन दबाओ, ऐसा ही इनका विजन है। कुछ दिन पहले तक मुझसे मेरे पार्टिसिपेंट पूछते रहे लीडरशिप फनल में कि ओला इतना डिस्काउंट कैसे दे देती है, ये सिखाओ हमारे को। ओला अपने ड्राइवर को इतना इंसेंटिव कैसे दे देती है, ये सिखाओ हमारे को। जानना चाहते हैं? अभी सुनिए आप बात को। आज से 2-3 साल पहले भावेश अग्रवाल इस बिजनेस के लाइफ साइकिल को समझते थे। उनको मालूम था अगर मुझे ये बिजनेस को लंबा चलाना है तो पहले इसकी नीड जनरेट कर देता हूं ढंग से।
इस दो ही काम थे, जरा ध्यान दीजिएगा, दो चीजें। एक ये जानता था मुझको 10 करोड़ पैसेंजर चाहिए और 10 लाख ड्राइवर चाहिए। सुनिएगा ध्यान से, 10 करोड़ पैसेंजर सारे इकट्ठे कैसे करूं, कहां से लेके आऊं, कैसे पैसेंजर लेकर के आऊं। तो इसने रेफरल स्कीम चालू करी, डिस्काउंट स्कीम चालू करी, सस्ती राइड देने चालू करी, ऑटो से भी सस्ता किराया कर दिया, लगभग बस के बराबर किराया कर दिया, शेयर का सिस्टम लेकर के आया। मुझे 10 करोड़ पैसेंजर चाहिए, 10 करोड़ पैसेंजर्स को मुझे पहले ओला का स्वाद चखाना है। तो 3 साल तक मैं सारा इन्वेस्टर का पैसा लेके, जला जला के इन्वेस्टर का पैसा कस्टमर को ले आऊंगा। इधर 10 करोड़ कस्टमर इकट्ठा कर लिया, दूसरी तरफ इनको 10 लाख ड्राइवर भी चाहिए। 10 लाख ड्राइवरों को शुरू के अंदर उनको गाड़ियां दिलाई, EMI पे गाड़ियां दिलाई, उनकी नौकरियां छुड़वा छुड़वा के ड्राइवरों को एंटरप्रेन्योर बनाया, उनको बड़े बड़े इंसेंटिव दिए। लो 1 लाख रुपए इंसेंटिव ले, 70,000 रुपए, 75,000 रुपए, 80,000 रुपए, 1.25 लाख रुपए ले। ड्राइवर भी छलांग मार रहा था, वाह भाई वाह, ओला 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 ओला। लोगों ने धंधा चालू कर दिया, और मैंने 4 ओला लगा दी, और मैंने 8 ओला लगा दी, ओला ओला ओला। लेकिन सबको नहीं समझ आ रहा था कि जो भावेश अग्रवाल को समझ आ रहा था। भावेश अग्रवाल जानता था बस 10 लाख ड्राइवर इकट्ठे कर दूं, 10 करोड़ पैसेंजर इकट्ठे कर दूं, साल की 1 बिलियन से ज्यादा राइड दे दूं, 15 लाख मेरी कम से कम राइड रोज की होनी चाहिए। इतना समझ रहा था भावेश अग्रवाल कि ये सब बिल्ड कर दें, बाद में इनके राइड का पैसा बढ़ा देंगे कस्टमर की, और ड्राइवर का इंसेंटिव अपने आप कट डाउन कर देंगे। अब ड्राइवर सेट हो गया, उसकी नौकरी चली गई है, उसको ओला चलाने की आदत पड़ गई, एंटरप्रेन्योर वो बन गया है। 1 लाख से उसको 80 पे लेके आए, 70 पे लेके आए, 60 पे लेके आए, 50 पे लेके आए, आज कच कट 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 आके 30,000 रुपये मिलता है। और ड्राइवर अभी भी सेट हो गया है जाने, लेकिन ये जानते हैं, रिस्पेक्ट पूरी करते हैं ड्राइवर को। ड्राइवर स्ट्राइक करेगा ये प्यार से मना लेंगे, ड्राइवर झगड़ा करेगा ये प्यार से समझा लेंगे। ये जानते हैं कि इनके धंधे में कस्टमर कस्टमर नहीं है, इनके धंधे में इनका जो असली मालिक है वो इनका ड्राइवर है। क्यों? एसेट लाइट मॉडल। कमॉन हाथ ऐसे लाइए, कमॉन। लीडरशिप फनल में आजकल हर वीडियो में समझा रहा हूं मैं, एसेट लाइट, फ्लाई लाइट, इसको बोलते हैं ओला। कमॉन, क्या बोलते हैं? ओला ओला। इनका जितने कुछ नहीं लग रहा है, जानते हैं किसका लग रहा है? ड्राइवर का लग रहा है। गाड़ी ड्राइवर की, पेट्रोल ड्राइवर का, मेंटेनेंस ड्राइवर की, ड्राइवर भी ड्राइवर का, यानी कि अपनी तनख्वाह खुद उसको पे करनी है ना जी, है जी। तो ये सारे खर्चे ड्राइवर के, इनको तो बस ये दोनों को प्लेटफॉर्म पे ला के बीच में जोड़ना था। इसको बोलते हैं इकोसिस्टम, चक्कर चल गया पूरा का पूरा। इसको लाने के लिए शुरू में इन्होंने इन्वेस्टर्स को समझा दी पूरी स्टोरी। आप ही देखो मेरे प्यारे प्यारे इन्वेस्टर भाइयों, उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और इन्वेस्टर्स ने भी इन पे विश्वास किया, और भावेश ने भी इसको सफल बना के दिखाया, क्योंकि ऊबर अभी तक नहीं चल पाया। वैसे ऊबर लंबी गेम खेलने आया, अभी 39% मार्केट शेयर पे ऊबर ही पूरी जान लगा रहा है, ओला भी पूरी जान लगा रहा है। मेरा ऐसा मानना है अगले 2 साल में या तो ओला ऊबर को खरीद लेगा या ऊबर ओला को खरीद लेगा, तभी ये थोड़ा सा मार्केट में पूरी तरह डोमिनेट कर पाएंगे। ये सारा इकोसिस्टम बिजनेस के अंदर आपको लाइफ साइकिल आगे तक समझनी पड़ती है। इन्वेस्टर आ जाता है लीडरशिप फनल में आजकल, जिसको आपको पैसे की जरूरत है, आपको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, आइए लीडरशिप फनल में। अब हम लोग कई इन्वेस्टर्स को साथ में लेके आए हैं। अब हमने ब्रेक्स के टाइम पे आपकी इन्वेस्टर से मीटिंग करा देते हैं, ताकि आप भी उस इकोसिस्टम को बिल्ड कर सको, उसको सीख सको। और पैसे की अगर कमी है तो लोन कैसे मिलेगा, इन्वेस्टमेंट बैंकर से आप मिलना चाहते हैं, ये सारी फैसिलिटीज हमने लीडरशिप फनल में आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बिल्ड करने के साथ साथ शुरू कर दी है। एक बात से मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ओला 110 सिटी में है और बेचारा ऊबर अभी तक 38 सिटी में ही रह गया। इनका नेटवर्क पूरा फैल रहा है। ये पहले तो अपने ड्राइवर को 80% इंसेंटिव देते थे, उसको कर दिया 20%, और उससे 5% कमीशन चार्ज करते थे, अब चार्ज कर रहे हैं 25%। यानी कि कमीशन अब ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, इंसेंटिव अब कम दे रहे हैं। ड्राइवर को इससे तकलीफ बहुत हो रही है, लेकिन फिर भी ड्राइवर छोड़ के नहीं जा रहा। यही इनकी बड़ी खास बात है कि इन्होंने ड्राइवर्स को जोड़ रखा है। एक बात ये जानते हैं कि पैसा भी ज्यादा नहीं दूंगा, नॉन मॉनिटरी बेनिफिट दूंगा, रिस्पेक्ट दूंगा, सम्मान दूंगा, रिश्ता बना लूंगा। ये जानते हैं कस्टमर कस्टमर नहीं लेके आएगा, ड्राइवर कस्टमर लेके आएगा। एक कम ऑन ध्यान दीजिए, कस्टमर ही इसलिए गेम चेंजर नहीं है, इनके लिए ड्राइवर मेजर गेम चेंजर है। उसी ड्राइवर से कमा भी रहे हैं और उसको संभाल भी रहे हैं। दूसरी तरफ ये अपने इकोसिस्टम को और बड़ा करने के लिए अपने ओला वॉलेट मनी को भी बड़ा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ओला वॉलेट से आप केवल ओला का पैसा दे, आप उससे बाकी रेस्टोरेंट के पैसे भी दे सकते हैं, आप उसे डोमिनोज का, पिज्जा हट का पैसा दे सकते हैं, कैफे कॉफी डे पे दे सकते हैं, आप उसे मेट्रो ट्रेन पे अगर आप मुंबई ट्रैवल कर रहे हैं उससे दे दें, ट्रैवल इंश्योरेंस, टिकट, एयर टिकट, कई चीजें बुक करनी, जैसे होता है ना मोबीक्विक, पेटीएम, एयरटेल मनी, ये सब क्या है, वॉलेट्स है। तो ये वॉलेट्स के अगेंस्ट अपने कंपैरिजन अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है कि लोग उसके अंदर आ जाएं, और उसके अंदर बनाए रखने के लिए टैक्सी लॉजिस्टिक सर्विस को बड़ा कर दिया। अब केवल टैक्सी नहीं है, अब ये कई बसेस के साथ अपने आप को जोड़ रहे हैं। उधर उन्होंने पैडल, यानी कि ओला पैडल मतलब साइकिल, साइकिल उन्होंने IIT कानपुर से चालू कर दी। IIT कानपुर में साइकिल भी ले आए हैं, रिक्शा, ऑटो, छोटी बड़ी गाड़ी, मर्सिडीज से छोटे ऑटो तक तो पहले कवर कर ही रहे थे, शेयर भी लेकर ये बड़ा करते 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 अब ऊबर ईट के अगेंस्ट फूड पांडा खरीद लिया। कम ऑन, क्या? हाँ, फूड पांडा खरीद लिया। अच्छा, फूड पांडा खरीदा कैसे? फूड पांडा वालों को बुलाया, तुम इधर आओ, बात सुनो। उनको यूरोप से बुला करके लेके आए, उनको बोले देखो हम तुम्हें खरीद लेते हैं,
और हम क्या करेंगे, हम तुमको पैसा नहीं देंगे, हम तुम्हें अपने ओला के इक्विटी का हिस्सा दे देंगे, तुम्हें अपना शेयर होल्डर बना देंगे। मतलब फूड पांडा वाले सोचे, अच्छा ये कंपनी तो आगे बढ़ रही है भैया, तो ओला की इक्विटी का हिस्सा लेके कंपनी इंडिया में इनको दे देते हैं। तो उबर ईट्स के अगेंस्ट फूड पांडा आ गया। अब देखो जो बाकी बचे ना, स्विगी जोमेटो, उनको आगे बढ़ने में टाइम लगेगा क्योंकि उनका एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है। ओला और उबर का एग्जिस्टिंग कस्टमर जिसमें ओला का सबसे ज्यादा है, तो ओला को एक बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा मार्केट के अंदर कैप्चर करने के लिए। तो फूड पांडा इस समय ओला की है जो ज्यादा तेज ग्रो करने की संभावना बिल्ड करता है, क्योंकि इनका अपना ही कस्टमर बहुत बड़ा है। और बिना पैसे के लेन देन के कंपनी भी खरीद ली, पार्टनरशिप भी हो गई, अपनी छोटी सी इक्विटी देके और बड़ी मार्केट को और बड़ा ग्रो। अब ये जो फूड डिलीवरी सर्विस है ना, ये अभी ये बचपने में चल रही है, अपने इन्फेंसी मतलब पैदा हुई है। इसका अभी असली इनोवेशन फूड डिलीवरी में आना बाकी है, इसकी असली स्केलेबिलिटी अभी आनी बाकी है। ये इंडस्ट्री को अभी आप जज नहीं कर पाएंगे, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है फूड डिलीवरी की। रेस्टोरेंट पे बैठ के लोग खाना नहीं खाएंगे, सब घर पे मंगाएंगे, समय बिल्कुल बदलने वाला है। आने वाले 5 साल में ये बहुत बड़ा होगा ये इंडस्ट्री। एक बात और, क्या आपको मालूम है कि ओला का कस्टमर बेस इस समय उबर के मुकाबले डबल हो गया है। और ये उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने कई स्ट्रैटेजीज अपनाई, मैं आपको दो क्विकली बताता हूं। पहला, ये रूरल मार्केट को कैप्चर करने के लिए अपनी ऐप को R&D सेंटर में लाइट वेट, ये उसको इतना हल्का करते जा रहे हैं। इनको मालूम है ज्यादा बड़ी हैवी ऐप होगी तो 2G कनेक्शन वाले इंटरनेट के जो छोटे छोटे शहर वाले हैं वो यूज नहीं करेंगे। तो जिस समय अभी जियो बढ़ रहा था और अभी भी 2G कनेक्शन का प्रभाव बचा हुआ था, उस समय ये ऐप के वजन को इतना लाइट कर गए कि गांव की फ्रेश कस्टमर बेस को एक्वायर करते चले गए। और दूसरा, इन्होंने जो रिवॉर्ड मैकेनिज्म जो चालू किया, जिसमें ये ग्रास रूट लेवल पे स्टूडेंट्स को पकड़ लिया कि तुम शेयर करो ऐप और तुम्हारे को राइड फ्री मिलेगी, शेयर करो फ्री मिलेगी। अब जिसको देखो शेयर करे जा रहा है, ऐप शेयर किए जा रहा है और राइड फ्री मिलेगी। जब तक उबर पकड़ता, ओला ने बहुत बड़ा मार्केट पकड़ लिया। जिसके कारण देखिए, आपका कस्टमर लॉयल होना चाहता है अगर आप आसान बना दो। कभी कभी बहुत काम की बात करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, कस्टमर लॉयल बनना चाहता है अगर आप उसको आसान कर दो। इन्होंने इतना आसान कर दिया, इतनी सारी इन्होंने फ्री स्कीम्स ला दी। कस्टमर को फ्री सुनते ही बड़ा अच्छा लगता है, वो रेफरल स्कीम, क्योंकि क्या है, इतना आसान कर दिया कि अपनी राइड बुक करते करते ही शेयर कर दो और उसने शेयर में डाउनलोड कर दिया, आपको फिर डिस्काउंट मिल गया। ये जो डिस्काउंट शुरू में लिया, इससे इनका मार्केट का एक्विजिशन और एक्सपेंशन इजी होता चला गया। ये मैंने लॉयल्टी के ऊपर एक पूरा वीडियो दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा, ये लंबा वीडियो है, फुल वीडियो है, हिंदी में है, इस वीडियो को जरूर देखिए। क्योंकि लॉयल कस्टमर आपके बिजनेस को 5% से 95% तक ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दे देता है। और अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं लीडरशिप फनल में, मैं आपको सिखाता हूं कि पहले आएगी लॉयल्टी फिर मिलेगी रॉयल्टी। कम ऑन, पहले क्या आएगी लॉयल्टी फिर मिलेगी रॉयल्टी। इसी बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करके चेक करिए कि आप ऐसे बिजनेस मॉडल कैसे डेवलप करेंगे। आपके पास पैसा नहीं है इसीलिए बोल रहा हूं फोन करिए, अगर आपको EMI पे आना है इसीलिए कह रहा हूं फोन करिए, अगर आपको कोई बिजनेस में बड़ी तकलीफ चल रही है, बिजनेस बड़ा नहीं हो रहा, घाटा हो गया है, लॉस हो गया है, आपके ऊपर बहुत बड़ा बैंक का कर्जा आ गया, उससे बाहर निकलना है, आपको फंड रेजिंग करनी है, आपको इक्विटी चाहिए, इसी नंबर पर फोन करिए। आज हमारी टीम काउंसलर्स पूरे तैयार हो गए हैं आपको इक्विप करने के लिए, आपको मदद करने के लिए। और हाँ, अगर आपको इस प्रकार की केस स्टडीज पसंद आती है तो नीचे बताएं कि हम आपको पेटीएम पे केस स्टडी दूं, या इजराइल देश पे दूं, या जापान देश पे दूं, या नेपाल पे दूं, या किसी और देश पे दूं, आपको किसी बड़े ब्रांड पे केस स्टडी चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लाइक इसलिए करिए क्योंकि समय बहुत जाता है मेरा वीडियो बनाने में, मेरा उत्साह बढ़ जाता है, आपका इसमें कुछ नहीं जाता है। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया तो वीडियो आपको तो मिलेगा ही नहीं। वर्ल्ड का नंबर 1 चैनल बनाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप में मेरे साथ